स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीजे क्वेश्चन चैनल। हम लोग 2-3 दिन से पढ़ रहे थे इसमें ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी का कल भी कुछ क्वेश्चन सेंड किए थे और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसा भी इसमें दिखाई देगा जो आपको नहीं सॉल्व हुआ है, जो सॉल्व नहीं हुआ उसको भी डिस्कस कर दे रहे हैं इसमें। ध्यान दे करके समझते चलेंगे और हमको भी पता है कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर फिर भी नहीं बनता है तो उसको कॉपी में राइट डाउन कर करके और रखे रहिएगा, जब इंस्टीट्यूशन खुलेगा तो हम डिस्कस करेंगे इसका। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन हम लिखे हैं, प्रूव दैट टैन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टैन थीटा इक्वल टू वन प्लस टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। ध्यान देंगे इसके बाद में LHS में देखिएगा, LHS में आपके पास लिखा हुआ है टैन थीटा और डिनोमिनेटर में है वन माइनस कॉट थीटा, इसके बाद है प्लस में कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टैन थीटा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टैन थीटा और टैन थीटा के बदले साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, और कॉस थीटा कॉट थीटा के बदले कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। डिनोमिनेटर में सेम वही चीज़ किया गया है, डिनोमिनेटर में भी मतलब टैन और कॉट को चेंज करके लिखे हैं साइन थीटा और कॉस थीटा में। इसके बाद देखिएगा, डिनोमिनेटर वाले जो चीज़ था यहाँ पर इसका एलसीएम लिया गया, तो एलसीएम में साइन थीटा आ गया, यहाँ पे आपके पास कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा डिनोमिनेटर। इसके बाद ध्यान देंगे, इसको कैलकुलेशन करिएगा आगे, तो हम लोग डिनोमिनेटर वाले को ऊपर ले जाके मल्टीपल करेंगे और उसके जो नीचे था इसको नीचे ले जाने के बाद फिर हमारे पास ये कॉस थीटा आ जाएगा। ये कॉस थीटा को ऊपर अगर सेंड करते हैं तो ऊपर सेंड करने के बाद ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में साइन थीटा आएगा और यहाँ पर से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कल हम लोग एक चीज़ सीख रहे थे कि एलसीएम लेने में हम लोग को आसान होना चाहिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसमें कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दोनों में थोड़ा सा देखिएगा थोड़ा सा अंतर है। अगर माइनस को कॉमन ले लिया जाए तो दोनों का जो कॉमन पॉइंट है ये ब्रैकेट वाला जो टर्म है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वो हम लोग के पास दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसी कारण से यहाँ से हम लोग एक कॉमन माइनस में लिए हैं। ठीक है, माइनस कॉमन लेने के बाद देखिएगा, इसके बाद में अब दोनों का डिनोमिनेटर में हम लोग एलसीएम जब लेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ पर लिखा गया, कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसका ऊपर में जब जाएंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा। इसके बाद कल एक फार्मूला बताया थे आपको कि ए क्यू माइनस बी क्यू, ये देखिएगा ए क्यू और माइनस बी क्यू फार्मूला जानते हैं, ए माइनस बी हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी जितना था रहने दिया गया, यहाँ से ये टर्म और ये टर्म देखिएगा, तो यहाँ पर से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों कैंसिल किया जा सकता है। कैंसिल कर देने के बाद जो टर्म बचेगा, इसके बाद देखिएगा यहाँ पर हम सारा कुछ को लिख दिए हैं। ठीक है, जो टर्म आपके पास जो बचा है यहाँ पर लिखा गया, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बच गया, और इसके बाद देखिएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये सबको अलग अलग, मतलब इसके साथ डिनोमिनेटर अलग है, इसके साथ डिनोमिनेटर यहाँ पर अलग कर दिए, इसके साथ डिनोमिनेटर अलग कर दिए, मतलब तीनों तीनों पार्ट को अलग अलग लिख दिया गया। जो भी टर्म यहाँ पर देखिए कटने वाला था, साइन स्क्वायर को यहाँ पर देखिए एक साइन से एक साइन को काट दिया गया, एक कॉस से एक कॉस को, और ये टोटल आपके कटने वाला था काट दिया गया। तो ऊपर में इसमें देखिएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बच गया, यहाँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बच गया, और प्लस में यहाँ पर बन, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को टैन थीटा हम लोग लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन टैन साइन थीटा को कॉट थीटा लिख सकते हैं, और प्लस में बन। ठीक है, और इस तरीके से आप देखिए तो RHS हमारे पास चौथा लाने के लिए हमारे पास मिल गया। ठीक है, समझ गए होंगे कैसे किस तरीके से बना, एक बार फिर से हम रिमाइंड करवा दे रहे हैं। यहाँ पर से देखेंगे टाइन थीटा बटा वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टाइन थीटा। टाइन थीटा को कुछ नहीं किए, टाइन और कॉट को साइन और कॉस में कन्वर्ट करते चले गए हैं। इसके बाद यहाँ पर से हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए कॉस को नीचे ले जाएंगे, साइन को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ भी वही प्रोसेस साइन को नीचे और कॉस को ऊपर। ठीक है, इसी तरीके से देखिएगा तो हम लोग अगला प्रोसेस में इसका एलसीएम लिया गया, यहाँ पर नेगेटिव कॉमन लेने के बाद एलसीएम ले लिए हैं, और एलसीएम लेने के बाद देखिएगा तो ए क्यू माइनस बी क्यू में यहाँ पे ब्रेक किए हैं, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का यहाँ से ये टोटल फार्मूला आपके पास ए क्यू माइनस बी क्यू का है। अब जो भी टर्म इसमें देखिएगा तो यहाँ पर ये और ये टर्म कट रहा था काट दिया गया, जो टर्म आपका आपके पास बचा था ये टोटल को यहाँ पर हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। लिखने के बाद सबको यहाँ पर कुछ नहीं किए, सबको अलग अलग कर दिए, इसके साथ डिनोमिनेटर इसके साथ भी डिनोमिनेटर, मतलब तीनों पार्ट को अलग तोड़ करके हम लोग लिख देंगे, और लिखने के बाद जो टर्म कटेगा काट दीजिएगा, बाकी फार्मूला के हिसाब से टैन थीटा का वैल्यू कॉट थीटा का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग देखे हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे।
आइएगा दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रूव दैट टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से देखिएगा LHS वाले में, देखिए सबसे पहला चीज़ ये भी हम ध्यान रखें कि अगर कुछ भी आपको पता नहीं लग रहा है तो सबको टाइन और कॉट जितना भी दिया रहेगा सबको साइन और कॉस में ब्रेक करने का प्रयास करिए। टाइन टाइन और कॉट को अगर साइन और कॉस में ब्रेक कीजिएगा तो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलते चलेगा, ठीक है। और काफ़ी कन्फ्यूजन होता है तो ये चीज़ बार बार बनाइएगा, कन्फ्यूजन कमेगा। तो देखिएगा यहाँ पर से टाइन थीटा के बदले लिखे हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ पर से दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम लेने के बाद हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हम लोग को देखिए RHS में जो दिखाने का था, RHS में सिर्फ हम लोग के पास ऊपर में जो दिया हुआ वो साइन स्क्वायर थीटा है। तो ये काम क्या किए, तो यहाँ पर से यहाँ जो देख रहे हैं ये कॉस स्क्वायर के बदले वन माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया। ब्रैकेट को हटाएंगे तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, और साइन स्क्वायर देखिए टू साइन स्क्वायर हो गया माइनस एक, और बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमारे पास RHS निकल गया, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट नंबर जो हमारे पास है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। देखिएगा NCERT में भी ये क्वेश्चन आपके पास उपलब्ध होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रूव दैट वन प्लस टाइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में वन माइनस टाइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर में टाइन स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा इसमें तीन टर्म है, तीन टर्म देख करके लोग हड़बड़ाते हैं, हड़बड़ाना नहीं है, तीन टर्म देख करके एकदम आराम से बनाइएगा। मिडिल टर्म एक होता है, एक LHS होता है, एक RHS होता है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं LHS का। LHS हमारे पास है दिया हुआ ये, अब ध्यान दीजिएगा वन प्लस टाइन स्क्वायर थीटा को हम लोग डायरेक्टली सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को डायरेक्टली कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको अगर हम लोग करेंगे कैलकुलेशन तो सेक स्क्वायर थीटा को देखिएगा वन बाई कॉस स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन बाई साइन स्क्वायर। इसको अगर कैलकुलेशन करते हैं तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर को हम लोग डायरेक्टली टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कितना आसानी से RHS हम लोग के पास निकल गया। अब इसके बाद क्या काम रहता है, तो मिडिल वाले को ब्रेक करते हैं। मिडिल वाले को ध्यान दीजिएगा, मिडिल में हमारे पास है कितना, तो मिडिल में देखिएगा लिखा हुआ है इसमें वन माइनस टाइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। टाइन थीटा को ध्यान देंगे, यहाँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखा हुआ है, और कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा आ गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसके बाद कैलकुलेशन डिनोमिनेटर में उसी तरीके से किया गया, इसका होल स्क्वायर था। अब यहाँ पर से अगर हम लोग आते हैं तो देखेंगे इसके बाद में ऊपर में देखिएगा तो माइनस कॉमन लिया गया। यहाँ पर जब माइनस हम कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आप कॉमन लेने के बाद काट सकते हैं, दोनों में कैंसिल हो जाएगा। और माइनस देखिएगा ऑलरेडी यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो माइनस का अगर स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस में। और टाइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर टाइन स्क्वायर थीटा, समझ गए होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से बनाइए ना, बनेगा सब। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लेकर के आते हैं, ये कल का क्वेश्चन एक दो हम सॉल्व कर दे रहे हैं क्योंकि ये लग रहा था हमको कि हो सकता है हमारे विद्यार्थी से नहीं बने, तो चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। प्रूव दैट साइन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और इंटू टेन स्क्वायर ए बराबर में वन। यहाँ पर ध्यान देंगे साइन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर, देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन काफ़ी काफ़ी आसान है इसको बनाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, अभी अब आपको बताया कि जब कुछ भी पता नहीं लगेगा तो सबको साइन और कॉस में ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे हम वही काम किए हैं, कॉट स्क्वायर को कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, और टाइन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखिएगा, तो इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये टर्म और ये टर्म कटने लायक हो गया, ये टर्म और ये टर्म कटने लायक हो गया, तो बच गया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, तो बराबर में वन आ जाएगा आपका, सही है। आइए हम लोग इसका भी डिस्कस करते हैं, ये भी कल का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कल दिए थे इसको, हो सकता है आपसे नहीं बना, बन गया तो और अच्छी बात है, फिर से समझने का प्रयास करेंगे। आइएगा, प्रूव दैट कॉसेक माइनस साइन और इंटू सेक माइनस कॉस और इंटू टाइन ए प्लस कॉट ए बराबर वन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कॉसेक माइनस साइन और लिखा हुआ सेक सेक माइनस कॉस, तो कॉसेक के बदले में वन बाई साइन लिख सकते हैं, यहाँ पे सेक के बदले में वन बाई कॉस, और यहाँ टाइन थीटा के बदले में लिखिएगा तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यहाँ कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं।
अब इसके बाद कैलकुलेशन अगर करते हैं तो इसका एलसीएम देखिएगा, साइन ए हो गया, इसका एलसीएम कॉस ए हो गया, यहाँ पर एलसीएम साइन इन टू कॉस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब इसके बाद कैलकुलेशन में ध्यान देंगे तो यहाँ पर हम लोग के पास वन माइनस साइन स्क्वायर के बदले कॉस स्क्वायर हो गया, वन माइनस कॉस स्क्वायर के बदले साइन स्क्वायर हो गया, और साइन स्क्वायर इन प्लस में कॉस स्क्वायर बराबर में वन। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कुछ टर्म आपको कटने वाला दिखाई दे रहा है, कॉस से एक साइन से साइन कट जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, और ऊपर में बच गया कॉस इंटू साइन, और इंटू में वन वाई साइन इंटू कॉस, एक साइन से एक साइन कट गया, एक कॉस से एक कॉस कट गया, कटने के बाद कितना हो जाएगा आपके पास, वन आएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे भीजे इक्वेशन की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।